hello my dear friends good morning to everyone and uh, i welcome you all to our channel as i have told you all in my last video i'm here with proverbs for this class okay in last classes we have done idioms and phrases and rest of the phrases and idioms i'm going to do in my marathon class so today i'm going to start with proverbs so let's begin

अ न्यू ब्रूम sweeps well. तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है कि जो नया चीज़ है वो अच्छे से काम करता है ठीक है और जो जैसे जैसे पुराना होते जाता है तो वो सिस्टम में अकस्टम्ड हो जाता है जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि चीटिंग कैसे करनी है कैसे उसको यू नो टाइम सेव किया जा सकता है तो जैसे जैसे वो पुराना होगा वो इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आते जाएगा अदा ऑल राइट और जैसे नया रहता है जब तक तब तक वो हर चीज अच्छे से करने की कोशिश करता है और यही इसका मीनिंग है हिंदी में बोले तो नया नौ दिन पुराना सौ दिन ठीक है लेट्स मूव टू अनदर प्रोवर्व हाफ अ लोफ इज़ बेटर दैन नन हाफ अ लोफ लोफ मतलब ब्रेड ठीक है जो अनकट ब्रेड होता है ना जो अनकट अनकट मतलब बिना काटा हुआ ब्रेड जो होता है उसको बोलते हैं लोफ ओके okay? जब इसको हम लोग स्लाइस कर देते हैं तब इसको बोलते हैं ब्रेड स्लाइस और स्लाइस्ड ब्रेड ओके तो यहाँ इसका मतलब ये है कि नाना मामा से काना मामा होना अच्छा ओके okay? मामा ना होने से काना मामा हो वही अच्छा मतलब समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग कुछ हाथ में हो न होने के कंपैरिजन में ओके लेट्स द मीनिंग वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट वी रिसीव इवन दो वी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ लॉट मोर सी हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए हम लोग को कृतज्ञ होना चाहिए जो हम लोग रिसीव करते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ही हमको मिले ओके okay, हम लोग हंड्रेड का एक्सपेक्ट करते हैं और मिला सिर्फ टेन परसेंट ओके तभी हमको एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो टेन परसेंट भी तो नहीं मिल रहा था ठीक है मेन एम शुड बी टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू रेज आवर गोल्स हमको जो आउटकम मिलता है कोई काम करने के बाद में जो हम लोग आउटकम चाहते हैं जो रिज़ल्ट चाहते हैं अगर वो डिज़ायर्ड ना हो अगर वो हम लोगों के मन मुताबिक ना हो, तब भी हम लोगों को हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है काम करते रहना है कभी न कभी तो उसका ट्रू रिज़ल्ट आएगा ठीक है तो इसका मतलब यही है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग हाफ अ ब्रेड आधा ब्रेड अच्छा है कुछ ना होने के बराबर में इन दिस क्राइसिस पीरियड यू शुड जॉइन दिस जॉब एज अ हाफ ब्रेड एज अ हाफ लोफ इज़ बेटर दैन नन ये क्राइसिस पीरियड में तुमको ये जॉब जॉइन कर लेना चाहिए क्योंकि आधा ब्रेड से आधा ब्रेड हाथ में अच्छा है कुछ ना होने के बराबर लेट्स मूव टू नंबर 3 नेक्स्ट प्रोवर्व इज यू कॉन्ट विन देम ऑल आप सभी को जीत नहीं सकते मीनिंग है इट इज नॉट पॉसिबल टू सक्सीड एट एवरीथिंग यू डू लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल कभी हम लोगों को सक्सेस मिलता है कभी हम लोगों को फेल्यूर मिलता है लेकिन जैसे हम लोग दूसरा दूसरे प्रोवर्व में देखा है फेल्यूर्स आर दी पिलर्स ऑफ सक्सेस ठीक है तो फेल होना भी ज़रूरी है जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि आप यू नो you know, फेल्यूर में कैसा एक्सपीरियंस होता है और जीतना में क्या एक्सपीरियंस होता है राइट तो जो भी हम लोग काम करते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब में सक्सेसफुल हो इसका यही मीनिंग है एग्जाम्पल आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड टू नॉट कन्वर्ट दैट इंटरव्यू बट यू कॉन्ट विन ऑल आपने इंटरव्यू दिया लेकिन उसमें आप जीत नहीं पाए उसको क्रैक नहीं कर पाए इसका मतलब ये ये नहीं है कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे ओके कभी कभी हम लोग को फेलियर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है तो इसका मतलब यही है कि जो हम लोग करते हैं उसमें से कुछ हम लोग का टारगेट हिट कर जाता है कुछ नहीं ओके नंबर फोर यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल दिस इज़ इम्पोर्टेंट ओके okay, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में जिसकी वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे इसका मीनिंग है रूल्स चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द रूल्स इज़ यहाँ पे जैसा इंसान है उसी के अकॉर्डिंगली रूल अगर मिनिस्टर का बेटा है तो ट्रैफिक रूल्स उसके लिए मायने नहीं रखेगा ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ट्रैफिक रूल का यहाँ पे कोई भी रूल का बात हो रहा है ठीक है जैसे हम लोग इंसान का पर्सनालिटी देखते हैं उसका पोजीशन देखते हैं उसी के अकॉर्डिंगली रूल्स चेंज होता है उसी का मीनिंग है इस प्रोवर्व का ही हैज बीन ट्रीटेड लीनियंटली बाय द पुलिस लीनियंटली मतलब बिना स्ट्रिक्टनेस के ओके दैट्स वाई दे से यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल ओके आदमी दिखाओ कि कौन सा इंसान है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग रूल बताएंगे कि रूल स्ट्रिक होना चाहिए या लीनियन होना चाहिए ओके okay? तो ये जो है वो ये हो रहा है इंडिया में स्पेशली मैं इंडिया में हूँ इसकी वजह से इंडिया की बात करती हूँ इंडिया में ये जो है ये प्रेवलेंट है और इसी की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रॉप अप हो रहे हैं अगर सबके लिए रूल्स एक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल लेट्स मूव टू नंबर फाइव नंबर फाइव यू कॉन्ट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स यहाँ पे जो ओल्ड डॉग है ही ऑलरेडी हैज़ हेबिचुअल एक्शंस ठीक है जो कि वो रोज़ करता है तो उसको नया ट्रिक सीखना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इतने सालों से वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है अब ओल्ड एज में जाके ओके ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि बूढ़ा होना इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम से कोई चीज़ को कंटिन्यू करना ठीक है तो ओल्ड डॉग्स को नया ट्रिक सिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पीपल हु हैव लॉन्ग बीन यूज टू डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे विल नॉट अबैंडन देर हैबिट्स स्पेशली जो इंसान जो कि एक सिस्टम में इन्वॉल्व है और एक ही तरीके से रोज काम कर रहा है उसके हैबिट्स को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है ये सही है जो पुराने लोग हैं उसको उन लोगों को अचानक से बोलना कि नए जमाने में ये ऐसा नहीं होता तो उन लोग यू नो नेक्स्ट डे दे से चेंज नहीं करते वो पुराने तरीके को ही कंटिन्यू करते हैं राइट तो यही बात है यही मीनिंग है इस प्रोवर्व का यू कॉन्ट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स लेट्स सी दी एग्ज़ाम्पल I bet you can't get him to get up at फाइव a.m. and go out for a walk. After all, you can't teach an old dog new tricks. Okay, very appropriate. जिसको बचपन बच्च्च से आदत लगी है लेट से उठने की वो अचानक से पाँच बजे उठ के वॉक पे नहीं जा सकता ओके okay, इस ये जो हैबिट है वो बचपन से ही नर्चर करना पड़ता है बचपन से ही इंस्टिल करना पड़ता है बच्चों में ताकि चेंजेस Uh, जो डिज़ायर्ड चेंजेस पेरेंट्स या फिर कोई भी देखना चाहता है वो देख सके ओके okay? इसीलिए बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता था एंशेंट uh, पीरियड में क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम होता था एक ही सिस्टम सभी के लिए लागू होता था और उसको फॉलो करके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हम लोगों को मिले ओके okay? और ज्ञानी लोग हम लोगों को मिले लेकिन अभी क्या है कि घर में माता पिता जो है वो सोचते हैं कि इसका हेल्थ बिगड़ जाएगा उल्टा समझते हैं कि पाँच बजे उठने से हेल्थ बिगड़ जाएगा वो पाँच बजे नहीं उठ सकता ठीक है इसकी वजह से बच्चे लोग स्पॉयल हो रहे हैं राइट तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ भी आप सिखाना चाहते हैं किसी को भी वो बचपन से ही इंस्टिल करना है बूढ़ा होने के बाद एज हो जाने के बाद वो सब पॉसिबल नहीं होता ओके लेट्स मूव टू तो अनदर वन नंबर सिक्स यू कांट अनस्क्रैम्बल अ अस्क्रैम्बल्ड एग अनस्क्रैम्बल मतलब नहीं तोड़ना और स्क्रैम्बल मतलब तोड़ के फेंट देना ओके okay? जैसे हम लोग अंडा बनाते हैं अंडा बनाने के टाइम में जो स्क्रैम्बल करते हैं उसको यू uh, नो you know, तोड़ के हम लोग स्क्रैम्बल करते हैं फेंटते हैं ना उसको बोलते हैं यू कांट अनस्क्रैम्बल अस्क्रैम्बल्ड एग ओके okay, जो चीज़ हो चुका उसको रिवर्ट नहीं कर सकते सम एक्शंस आर इ रिवर्स मतलब जो कि फिर से पहले का स्टेट में नहीं पहुंचा सके राइट right? तो जो अंडा हम लोगों ने तोड़ लिया तोड़ लिया उसको हम लोग फिर से बिना तोड़े जैसा नहीं बना सकते राइट एग्जाम्पल द स्पिल्ड मिल्क कांट बी यूज यू कांट अनस्क्रैम्बल अ स्क्रैम्बल्ड एग मतलब जो मिल्क गिर गया जो मिल्क गर्म होने के टाइम में किसी ने नहीं देखा जिसकी वजह से गिर गया स्पिल हो गया ओके उसको हम लोग ना ही यूज़ कर सकते हैं और कुछ एक्शन्स हैं जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते जैसे कि ये मिल्क जो गिर चुका उसको फिर से पहले के स्टेट में बर्तन में वापस नहीं कर सकते ओके नंबर सेवन यू कैंट हैव योर केक एंड ईट इट टू आप केक को बनाते हुए उसको खा नहीं सकते ओके टू हैव टू थिंग्स दैट वन डिज़ायर्स बट दे आर नॉर्मली इम्पॉसिबल टू गेट साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से समझना है जो केक आप बना रहे हैं उसको नहीं खा सकते कब नहीं खा सकते उसी वक्त ओके okay, बना भी रहे हैं और उसको खा भी रहे हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना उसको बनाने के बाद ही खा सकते हैं है ना इसमें अगर केक बनाने में मान लीजिए पंद्रह मिनट लगता है तो पंद्रह मिनट के बाद ही आप उसको खा सकते हैं जब आप बना रहे हैं तब कैसे खा सकते हैं केक तो रेडी ही नहीं है है ना तो इसी का मतलब है कि दो चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं होता इफ़ यू वॉन्ट मोर लोकल सर्विसज यू कॉन्ट एक्सपेक्ट टू पे लेस टैक्स अगर आप लोकल सर्विस चाहते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लेस टैक्स पे करें इसको अगर आप लोकल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा ओके सो वेल यू कॉन्ट हैव योर केक एंड ईट इट दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता इसका मतलब ये है दो चीज़ एक साथ नहीं होता अगर आपको अच्छे सर्विसेज चाहिए तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा उसके लिए रेंट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा ओके ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा सर्विस भी चाहते हैं और उसके लिए लो मनी पे करना चाहते हैं ऐसा कभी नहीं होता ओके okay, जैसा सर्विस वैसा ही दाम लेट्स मूव टू एथ वन यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स ये तो सही है बिना अंडे को तोड़े कैसे ऑमलेट बनाते हैं ऑमलेट क्या है ये तो सबको पता है ठीक है इट इज़ हार्ड टू अचीव समथिंग इम्पोर्टेंट विदाउट कॉजिंग अनप्लीजेंट इफेक्ट्स सी अगर हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि सब कोई खुश होते हैं राइट सब फॉर एग्जाम्पल किसी को मुंबई जाके हीरो हीरोइन बनना है राइट तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको सब कोई सपोर्ट करेंगे हो सकता है मम्मी सपोर्ट करे फादर सपोर्ट नहीं करें राइट तो इसका मतलब यही है कि अगर जब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करना चाहते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कि हम लोगों से खफा होते हैं और वो नेचुरल है हम सबको खुश नहीं कर सकते ओके लेट्स सी द एग्जांपल इफ आई फ्लैश पीपल्स सैलरीज द कंपनी इज़ गोइंग टू गो बैंक्रप्ट इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स सी कुछ लोगों का सैलरी कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है किसी कंपनी को ओके अगर कंपनी वैसा नहीं करे तो वो बैंक हो जाएगा वो उसका दिवाला निकल जाएगा ये बहुत ही दुखद है लेकिन हम लोगों को ये करना पड़ रहा है ये कंपनी वालों को करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों को कंपनी चलाना है राइट तो वो कहते हैं कि हम एक ऑमलेट नहीं बना सकते बिना अंडे को तोड़े मतलब कुछ लोगों को अनप्लीजेंट डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा कंपनी चलाने के लिए राइट नंबर नाइन अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स जो कारीगर है एक यू नो अनएक्सपीरियंस्ड और बुरा कारीगर ओके अनस्किल्ड बुरा मतलब अनस्किल्ड उसका बिहेवियर भी हम लोग नहीं जा रहे ओके okay? एक जो अनस्किल्ड कारीगर है वो हमेशा अपने चीज़ों को ब्लेम करता है जो टूल से वो काम कर रहा है उसको ब्लेम करेगा राइट right? इसका मीनिंग है दिस प्रोवर्व इज़ यूज वैन सम वन ब्लेम्स द क्वालिटी ऑफ देयर इक्विपमेंट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स वेन दे परफॉर्म अ टास्क पोअली जब कोई कारीगर अनस्किल्ड वे में काम को परफॉर्म करे तब वो अपने स्किल्स को ब्लेम नहीं करता बल्कि अपने इक्विपमेंट्स को ब्लेम करता है हिंदी में बोलूँ तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा उसको काम करना आता ही नहीं और वो टूल से जो अस्त्र शस्त्र उस जिससे काम कर रहा है वो उसको ब्लेम कर रहा है ठीक है करने वाला जो भी उसको दिया जाए उसको अच्छे से तराश के बनाता है जैसे कि कोई आर्ट पीस ऑफ आर्ट है ठीक है अगर किसी को आ, पेड़ की टहनी दे दिया जाए कोई उसको जला के ठीक कर देगा ओके या फिर कोई जो आर्टिस्ट है उसको तराश के एक पीस ऑफ आर्ट बनाएगा आरे? तो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है स्किल इंपॉर्टेंट है कि उससे क्या चीज़ बन रहा है राइट लेकिन अगर खुद पे फॉल्ट हो खुद फ्लॉड हो आदमी जिसके पास गलतियाँ हों जिसको काम करना आता नहीं हो तो वो अपनी चीज़ों को ही ब्लेम करेगा द टर्की इजेंट कुक वेल टर्की मतलब मुर्गा बड़ा वाला मुर्गा द टर्की इजेंट कुक वेल बिकॉज द ओवन इज नॉट फंक्शनिंग वेल जिसने भी यह टर्की को बनाया राइट right? उसका कहना है कि ओवन जो है वो मैल फंक्शन कर रहा था इट वॉज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली वेल इट इज़ द केस ऑफ अ बैड वर्क ब्लेमिंग द टूल्स जो स्पीकर है वो बोलता है कि ये तो वही बात हो गई पकाना नहीं आता और चीज़ों को ब्लेम कर रहे हो ओके नंबर टेन अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे मिलता जुलता बहुत सारे इडियम्स सॉरी प्रोवर्ब्स हैं राइट इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं ये तो पता चल गया होगा लाइन वाइज मीनिंग की क्या है एक चिड़िया जो है वो अपने हाथ में हो वो इक्विवेलेंट होता है दो चिड़िया बुश पे क्योंकि वो तो दूर है ना जाते जाते वो क्या हो जाएगा उड़ भी सकती है ठीक है थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल दैन व्हाट वी होप टू गेट ओके यहाँ पे देखिए जो चीज़ हम लोगों के पास है उसको वैल्यू देना है कंपेयर टू जो चीज़ हम लोगों के पास नहीं है या फिर फ्यूचर में मिल सकता है राइट right. कुछ लोग क्या करते क्या करते हैं कि जो चीज़ अपने पास है उसको छोड़ के जो चीज़ नहीं है अपने पास उसकी पीछे दौड़ते हैं इस पर क्या होता है जो उनके पास है वो भी हाथ से निकल जाता है ठीक है तो उसी से रिलेटेड ये है कि अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश झाड़ियों में दो चिड़िया होने से अच्छा है अपने हाथ में एक चिड़िया हो वाई डिड यू टर्न डाउन दैट जॉब ऑफ और वेन यू डोंट हैव एनी वैन यू डोंट हैव एनी थिंग in hand at the moment job offer jabki aapke paas abhi kuch nahi is moment well i am confident i will land one of the two jobs i interviewed for last two for last week and they are better than this one in my opinion you shouldn't take this you should not have taken it बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है दो आदमी के बीच फर्स्ट वाला बोलता है कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ दिया आपको वो जॉब ऑफर को डिनाई नहीं करना था क्योंकि आपके पास फ़िलहाल अपने हाथ में कोई जॉब नहीं है ओके तो वो बोलता है कि नहीं मैंने दो इंटरव्यू दिया है उसमें से दोनों ही अच्छे गए हैं ये जो फ़र्स्ट वाला इंटरव्यू था उससे बहुत अच्छा गया है तो सर्टनली मुझे मिल जाएगा तो नेक्स्ट स्पीकर बोलता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था फ़िलहाल तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ओके okay? अगर वो काम मिल जाता तो एटलीस्ट कुछ तो होता तुम्हारे हाथ में ये दो इंटरव्यूज़ का तो कोई शर्टेंटी नहीं है बुलाएगा या नहीं बुलाएगा तुमने तो अच्छा किया लेकिन हो सकता है कि तुमसे अच्छा करने वाले भी हो है ना तो हम लोगों को उस साइकोलॉजिकल वे में भी सोचना है कि ये कैलकुलेशन कैसे हो सकता है इसकी वजह से हम लोगों को सेटिस्फाई करना होता है कोशिश करेंगे अच्छे के लिए लेकिन पहले जो हाथ में आया उसको ग्रैप कर लेंगे ओके ये जॉब ज्वाइन करने के बाद जो छोड़ भी तो सकता है ना एक महीने के बाद है कि नहीं अगर वो अच्छा उसको मिल जाता है तो तो यही है कि अबाउट इन इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए टेक केयर बाय